गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 6 मैथ्स. स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 6 एंड आल्सो अ बेसिक चैप्टर. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. फर्स्ट चैप्टर इज नंबर सिस्टम. स्टूडेंट्स, कोई मैथ जो है स्टार्ट होता है नंबर से ही. सो स्टूडेंट्स, क्लास 6 इज द बेसिक क्लास of all classes students. Firstly, we see the term notation. What is notation? So students, notation एक process है. Notation एक number को लिखने का techniques है. Notation जो है किसी numbers को figure में लिखने का एक techniques है. Writing a number in figure is called notation. यानी किसी भी नंबर को फिगर में लिखने का जो टेक्निक होता है उसको बोलते हैं क्या? नोटेशन. और जस्ट ये होता है न्यूमरेशन. न्यूमरेशन क्या होता है देखेंगे स्टूडेंट्स. न्यूमरेशन भी एक टेक्निक होता है. इस टेक्निक के हेल्प से हम किसी नंबर को वर्ड्स में लिखते हैं. Writing a number in words. Writing a number in words is called numeration. Students, किसी नंबर को अगर ये सपोज ये नंबर है 2 लिख दिए तो ये लिखने का जो टेक्निक है वो नोटेशन कहलाएगा. इसी को अगर TWO लिख दिए इसको लिखने का जो टेक्निक है वो क्या कहलाता है? न्यूमरेशन कहलाता है. स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज हिंदू एथिक सिस्टम ऑफ राइटिंग अ नंबर. किसी नंबर को इंडिकेट करने के लिए हिंदू अरबिक में हम 10 सिंबल्स का यूज करते हैं. वो सिंबल है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. स्टूडेंट, हिंदू अरबिक सिस्टम में किसी नंबर को इंडिकेट करने के लिए हम इन्हीं 10 सिंबल्स का यूज करते हैं. इसमें से प्रत्येक सिंबल्स को स्टूडेंट हम डिजिट बोलते हैं. ईच सिंबल इज कॉल्ड अ डिजिट एंड ग्रुप ऑफ द डिजिट इज कॉल्ड नंबर. इसमें ये 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, ये अकेले अकेले स्टूडेंट्स हो जाएगा डिजिट. अगर दोनों को एक साथ मिला के लिख दे तो ये हो गया 23, एक नंबर है. स्टूडेंट्स, अगर हम किसी नंबर को हिंदू अरबिक के प्लेस वैल्यू चार्ट में अगर हमें इंटर करना हो तो हिंदू अरबिक प्लेस वैल्यू चार्ट को हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बोलते हैं. इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में किसी नंबर का प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे हम उसका फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाता है ये देखेंगे. हिंदू अरबिक प्लेस वैल्यू चार्ट. हिंदू अरबिक प्लेस वैल्यू चार्ट या इसको स्टूडेंट्स इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी बोलते हैं. फिर थोड़ा अटेंशन पे करेंगे. यहाँ पे हम एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट्स हिंदू अरबिक प्लेस वैल्यू चार्ट के लिए. द फर्स्ट कॉलम इज ऑफ वर्ड्स एंड सेकेंड कॉलम इज ऑफ थाउजेंड एंड थर्ड कॉलम इज ऑफ लैक एंड द अदर कॉलम इज ऑफ क्रोस. यू नो बेटर स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉलम इज डिवाइडेड इनटू 3 अदर कॉलम्स and the second thousand columns is divided into 2 and lakh is also divided into 2 and crores is also divided into 2 students. This is ones, tens, hundred
and it is 1,000, 10,000, 10 lakh, 10 lakh, crore and 10 crore. अगर इस चार्ट में एक नंबर को हम फिक्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर हम इसको जो है नोटेशन में हमने ये नंबर को लिखा तो इसको वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे, तो बहुत सिंपल है। तो देखेंगे लैक के ग्रुप में कितना है 78, तो लिखेंगे 78 लैक, 78 लैक, 1000 के ग्रुप में 9 स्टूडेंट्स तो 92,869। वैसे ही यहाँ पे एक नंबर को लिखे और आप गेस करो तो स्टूडेंट्स इसको क्या बोलेंगे, 6 करोड़, के ग्रुप में तो 6 करोड़, लैक के ग्रुप में तो 92 है तो इसको लिखेंगे 92 लैक, और 1000 के ग्रुप में 85 है 85,000, वर्ड्स के ग्रुप में 692 है तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 692, यानी टोटली इसको बोलेंगे 6 करोड़ 92 लाख 85,692। तो हमने देखा है स्टूडेंट्स कि फर्स्ट वाले कॉलम में 3 सब ग्रुप्स है, फर्स्ट वाले ग्रुप्स के 3 सब ग्रुप्स है, बाकी सभी ग्रुप्स के 2 सब ग्रुप्स है। अगर हमें इस नंबर को इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग कमा के थ्रू सेपरेट करना हो तो कैसे करेंगे, इधर से राइट साइड से पहले 3 डिजिट के बाद कमा देंगे, उसके बाद हमेशा 2 डिजिट के बाद कमा देंगे, क्योंकि ये तीनों ग्रुप वंस का है, ये 1000 का है, ये लैक का है, फिर इसके बाद जो आएगा वो करोड़ का होगा। अगर यहाँ पे इस नंबर को हम कमा के थ्रू जो है अगर इसको सेपरेट करना चाहे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग, तो पहले 3 डिजिट के बाद उसके बाद 2 डिजिट के बाद फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद, तो इसको 1,10,000, 10,000 lakh, 10 lakh crore, 6 crore 29 lakh 31,168 लिखेंगे, इसको 69,28,697 इसको वर्ड्स में हम लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपको नोट करना है, इसको कॉपी में, ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट का चार्ट फॉर्मेट है, फिर इसके बाद देखेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू का चार्ट फॉर्मेट। थैंक यू स्टूडेंट्स। जैसे हमने देखा हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 10 डिजिट्स का यूज किसी भी नंबर को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, उसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी जो है 7 लेटर्स का यूज जो है किसी नंबर को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, वी यूज द सिंबल आई वी एक्स सी डी एम और के, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्ट्रेंथ बी एक्स एल एंड सी स्ट्रेंथ, एम को एम मीन्स 1000 या के मीन्स 1000 होता है। तो स्टूडेंट्स वी यूज 7 सिंबल टू इंडिकेट एनी नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, आई मीन्स 1, वी मीन्स 5, वी इंडिकेट्स 5, एक्स इंडिकेट 10, एल इंडिकेट 50, सी इंडिकेट 100, डी इंडिकेट 500 and M or K indicates 1000, unity of any 7 symbols का use करके हम किसी भी number को international system of numeration में express करते हैं। Students अब हम देखेंगे international system का place value chart, तो समझ में आएगा कि किसी number को हम international system में अगर represent करना हो तो कैसे लिखते हैं। Sorry students, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, ये है रोमन नंबर,
रोमन नंबर का न्यूमरेशन, तो हिंदू अरबी न्यूमरेशन में, हिंदू अरबी न्यूमरेशन में जो है 10 डिजिट्स का यूज किसी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, उसी तरह रोमन नंबर का यूज भी, 7 सिंबल्स ऑफ रोमन नंबर का यूज जो है किसी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। देखेंगे स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉलम इज ऑफ वन्स, सेकेंड कॉलम इज ऑफ थाउजेंड, थर्ड कॉलम इज ऑफ मिलियन एंड अदर कॉलम इज ऑफ बिलियन। फर्स्ट कॉलम इज डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप, सेकेंड इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप, फोर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप। इसमें देख रहे हैं स्टूडेंट, सारे कॉलम जो है तीन तीन सब ग्रुप्स में डिवाइड है, इट इज वन्स 1000 एंड इट इज थाउजेंड 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, इट इज क्रोर 10 करोर एंड 100 करोर। स्टूडेंट्स अगर हम किसी नंबर को यहाँ पे एक्सप्रेस करना चाहें, यहाँ पे किसी नंबर को अगर हम लिखते हैं तो इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, बिलियन में कितना है जी 72, बिलियन के ग्रुप में कितना है 78 बिलियन 459 मिलियन 286,978, ये वर्ड्स में हो गया। एक और नंबर यहां लिखते हैं स्टूडेंट्स, इसको कैसे लिखेंगे, मिलियन के ग्रुप में 69 है, लिखेंगे 69 मिलियन 231,161। तो हमने समझा कि किसी नंबर को ऐसे लिखते हैं, किस नंबर को अगर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग कमा के थ्रू सेपरेट करना हो तो राइट साइड से हम थ्री थ्री डिजिट्स के बाद कमा का यूज करते हैं, इट इज द ग्रुप ऑफ वन्स थाउजेंड एंड मिलियन एंड वी राइट इट एज इन वर्ड्स 69 मिलियन 286,978। एंड सिमिलरली अदर स्टूडेंट्स, हियर 692,316,954, ये आपका स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन हुआ इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम किसी नंबर को कैसे वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, ये हुआ स्टूडेंट। फिर बाकी का जो है एक्सरसाइज देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।